जो नॉन एग्रेसिव फिशेस हैं। उसमें पहला है बवेलियन रैम्स। ये फिशेस जो है 3 से 5 इंच तक बड़ी हो जाती है, बहुत पीसफुल फिशेस है और हार्डी फिशेस भी होती हैं, और इनके लिए टेम्परेचर है 23 से 26 तक। अगर आप इसको प्रॉपर केयर करें तो ये 4 साल तक भी जी लेती हैं। और ये ओमनिवर फिशेस हैं, अब जो भी इसको फीड करेंगे ये फिशेस खा लेगी। और दूसरा है की होल। ये फिशेस भी 4 से 5 इंच तक बड़ी हो जाती है, और इनके लिए भी टेम्परेचर है 21 से 28 तक भी आप इन फिशेस को रख सकते हैं। और इनके लिए पीएच है 4.0 to 7.5। ये बहुत हार्डी फिशेस हैं, बहुत पीसफुल फिशेस हैं, आप इन फिशेस को कम्युनिटी टैंक में भी रख सकते हैं। और तीसरा है ब्लू अकारस। ये फिशेस जो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, ब्लू कलर और अट्रैक्टिव होती है। ये फिशेस 7 से 10 इंच तक बड़ी हो जाती है, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है अगर आप एक पेयर फिशेस रखना चाहते हैं तो 30 गैलन ज़रूर रखें, क्योंकि छोटी टैंक के अंदर इनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती। और इनके लिए टेम्परेचर है 22 से 29 तक, और ये फिशेस 7 से 10 साल तक जी लेती है अगर प्रॉपर केयर करें तो। और ये बहुत हार्डी फिशेस हैं और बहुत बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। और चौथा है येलो लैप्स। येलो लैप्स फिशेस जो है बहुत मशहूर फिशेस है, सिचलिड्स फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत से लोग इसको रखना पसंद करते हैं, और ज़्यादातौर पर ये फिशेस पाई जाती है सिचलिड्स टैंक के अंदर। अगर आप एक पेयर रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप 30 गैलन एटलीस्ट टैंक में रखें। जैसा मैंने कहा कि छोटे टैंक के अंदर ये फिशेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, और ये 3 से 5 इंच तक बड़ी हो जाती है। और इनके लिए टेम्परेचर है 23 से 26 तक, और बहुत ही पीसफुल फिशेस हैं, अगर आप प्रॉपर केयर करें तो 6 से 10 साल तक जी लेती है। और लास्ट वन जो है जर्मन ब्लू राम। ये फिशेस भी बहुत पीसफुल फिशेस हैं और 2 से 3 इंच तक बड़ी हो जाती है अगर आप प्रॉपर केयर करें तो। और इसके लिए मिनिमम 10 गैलन टैंक है, और टेम्परेचर 23 से 28 तक है, और पीएच जो है 6.0 to 7.5 है। और ये बहुत बेस्ट है कम्युनिटी टैंक के लिए, आप दूसरे फिशेस के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये फिशेस ओमनिवर होती हैं, आप इसको फ्लेक्स, फ्रोजन फिलेट्स, इस तरह की फूड भी आप फीड कर सकते हैं। तो ये थोड़े फिशेस थे जो पीसफुल फिशेस हैं। अगर आप अपनी फिशेस को आप कम्युनिटी टैंक बनाकर रख सकते हैं, इन फिशेस को आपस में मिलाकर एक टैंक में भी रख सकते हैं।